जिंदगी हौसलों से भरी हो तो कोई कमजोरी इंसान को कभी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इंसान अपनी हिम्मत से ऐसे ऐसे कारनामे कर सकता है जिसे बहुत अनुभवी लोग असंभव मानते हैं। ऐसे कई इंसान हैं दुनिया में जिन्होंने अपनी जिद पूरी करके सबको हैरान किया है। ऐसी एक महान एथलीट थी विल्मा रुडोल्फ। आइए जानते हैं विल्मा रुडोल्फ के जीवन के बारे में। विल्मा रुडोल्फ का जन्म टेनेसी के एक काफी गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उसे डबल निमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया। इनकी वजह से उसे पोलियो भी हो गया। वो पैरों को सहारा देने के लिए बैरस पहना करती थी। डॉक्टरों ने तो यहां तक कह डाला था कि वह जिंदगी भर चल फिर नहीं सकेगी, लेकिन विल्मा की मां ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि भगवान की दी गई क्षमता और अपनी मेहनत से वह जो चाहे कर सकती है। उसकी मां ने उसे विश्वास दिलाया कि एक दिन वो भी आएगा जब वह अपने पैरों से दौड़ेगी। यह सुनकर विल्मा ने कहा कि वह इस दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली एथलीट बनना चाहती है। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद विल्मा ने ब्रेसेस को उतारकर अपना पहला कदम उठाया, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी चल नहीं पाएगी। 13 साल की होने पर उसे अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और आखिरी स्थान पर आई। उसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी रेस में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आई। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक वह दिन नहीं आ गया जब वह रेस में फर्स्ट आई। विल्मा ने टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां वह टेंपल नाम के कोच से मिली। विल्मा ने उन्हें अपना लक्ष्य बताया कि मैं दुनिया की सबसे तेज एथलीट बनना चाहती हूँ। टेंपल विल्मा के मानसिक सामर्थ्य से काफी प्रभावित हुए और उसकी हिम्मत देखते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हारा लक्ष्य पाने में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विल्मा ने अपने कोच के साथ ट्रेनिंग में खूब मेहनत की और आखिर वह दिन आ ही गया जब विल्मा ने 1960 के ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आए थे और विल्मा का मुकाबला जुत्ता हैन से था, जिसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। इसमें विल्मा के प्रदर्शन ने दुनिया को हैरान कर दिया। उसने जुत्ता को हरा कर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जुत्ता को एक बार फिर हरा कर दूसरा गोल्ड मेडल जीता। अब तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर जुत्ता हैन से ही था। रिले में दोनों आखिरी में दौड़ने वाली एथलीट थी। जब विल्मा ने दौड़ने की बारी आई तब उसने देख लिया कि दूसरे छोर पर जुत्ता हैन बड़े तेजी से दौड़कर लीड ले रही है। वो नजारा देखने लायक था। विल्मा मशीन की तरह इतनी तेजी से दौड़ी और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज एथलीट बन गई है। विल्मा ने यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। विल्मा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे डॉक्टरों ने बोला था कि मैं कभी चल भी नहीं पाऊंगी, पर मेरी माँ ने कहा था कि मैं दौड़ूंगी। मैंने अपनी माँ की सुनी। कामयाब लोग जिंदगी में कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं। वह रास्ते आसान होने का कभी इंतजार नहीं करते। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या हमारे पास अब भी कोई हक है बहाने बनाने का? आप ये वीडियो शेयर जरूर करें, हो सकता है हम किसी के मुश्किल समय में उसे मेहनत करने की प्रेरणा दे दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह का मोटिवेटिंग कॉन्टेंट मिलता रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें।